हाँ दोस्तों, आज आपको हम दर्शन कराएंगे माँ कैला देवी धाम के, जो डिस्ट्रिक्ट संभल में लगता है, मजादपुर, रोरादीप और इन दोनों के बीच में पड़ता है ये आश्रम। ये कितना सुंदर धाम है माता रानी कैला देवी का। और हमने सोचा कि आज नवमी है तो नवमी के सप्त पर यहाँ पर लोग आते हैं, यज्ञ कराते हैं और यहाँ पर बड़े भीड़ भाड़ में लोग आए हैं। ये मेला लग रहा है, ये थोड़ा सा तुम्हें दिखा रहे हैं, ये मेला लग रहा है यहाँ पर माता रानी का। लोग बड़े मन से व्रत रहते हैं और व्रत रह करके नवमी को धाम पर आकर के यज्ञ करा के गोला फूंकते हैं। आज उसी धाम के दर्शन कराने के लिए, और यहाँ देखो ये लोग प्रसाद खरीद रहे हैं, चूनर खरीद रहे हैं और भारी भीड़ में यहाँ पर बहुत मेला लगा हुआ है। हम थोड़े सवेरे जल्दी आ गए हैं इसलिए यहाँ पर भीड़ कम है, अन्यथा यहाँ पर जगह नहीं मिलती है। और ये देखिए यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, प्रसाद खरीद रहे हैं। यहाँ से प्रवेश किया हमने मेन दरवाजे पर, यहाँ पर ये कुछ मेला लगा हुआ है, यहाँ पर भीड़ लगी है, ये आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से हम प्रवेश करते हैं माता रानी के द्वितीय द्वार में। ये यहाँ पर द्वितीय द्वार है, प्रथम द्वार वो बना हुआ है बड़ा, ये द्वितीय द्वार है यहाँ पर। और यहाँ से हम ऊपर को चढ़ेंगे। ये जो सामने मंदिर है ये माता रानी का वही मंदिर है जो कैला देवी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर लोग भारी से भारी भीड़ में आए हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर दही का बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ पर लोग आते हैं और माता रानी पर दही को चढ़ाते हैं। ये हमारे देश में प्रथम देवी है जो यहाँ पर दही चढ़ाया जाता है, सबसे बड़ा महत्व यहाँ पर दही का। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है। और जो हम तुम्हें सामने दिखा रहे हैं, जो धुआं चल रहा है यहाँ पर, ना जाने सैकड़ों ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, यज्ञ कराते हैं, गोला फूंकते हैं। और आज हम तुम्हें दिखा रहे हैं माता रानी का ये यहाँ पर सुंदर मंदिर है। अंदर लोग घुस रहे हैं, यहाँ पर दही का बहुत बड़ा महत्व है, हम तुम्हें दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे यहाँ पर तुम्हें दिखाने की। ये यहाँ पर रतनगिर महाराज जी थे और यहाँ पर भारी से भारी भीड़ में लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और हम तुम्हें दिखाने की कोशिश करेंगे कि माता रानी पर दही कौन सी जगह चढ़ाया जा रहा है। ये देखो हम तुम्हें दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये ब्राह्मण लोग कितने भारी मात्रा में लोग यज्ञ करा रहे हैं। ये सभी लोग यहाँ पर कितने ब्राह्मण अपने अपने यज्ञ तैयार करके बैठे हुए हैं। और आ जाइए आपको और दिखाते हैं माता रानी के अंदर मंदिर में प्रवेश करके आपको दर्शन कराएंगे। बड़ा सुंदर धाम है माता रानी का। लोग नौ दुर्गे व्रत रहते हैं, नौ दुर्गे व्रत रह करके और माता रानी पर यज्ञ और हवन करा करके मन्नत मांगते हैं माता रानी कैला देवी से। और भारी से भारी भीड़ में यहाँ पर दूर दूर से यात्रीगण आए हैं यज्ञ कराने के लिए माता रानी के मंदिर पर। यहाँ पर ये सभी जगह जगह लोग बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ करा रहे हैं, सैकड़ों यज्ञ चल रहे हैं यहाँ पर। और अब तुम्हें इस मंदिर के अंदर चलते हैं जहाँ पर दही चढ़ाया जाता है, माता रानी के दर्शन कराएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर दही चढ़ाया जा रहा है, अभी आपको दर्शन कराएंगे। ये देखो यहाँ पर सिर्फ दही ही दही चढ़ाया जा रहा है। ये देखो यहाँ पर दूध दही, सिर्फ दही माता रानी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर दही का बहुत बड़ा महत्व है कैला देवी धाम पर। इन नंदीश्वर हैं, इन पर भी दही चढ़ाया जा रहा है।
शिवलिंग पर भी दही। और ये हम कुछ नज़ारा देवी मंदिर के पीछे का नज़र दिखा रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर माता रानी का मंदिर बना हुआ है। और यहीं पर अब रोकते हैं। जय माता दी, जय माता दी सभी को।